हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला स्वागत है मेरे आज के एक नए ब्लॉग में। ये तो मैं कहते रहूं, तो जो चैनल में नहीं छू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्यार सपोर्ट बढ़ाए रखो। तो सब्सक्राइब तो यार किए नहीं थे, तो मैं प्यार सपोर्ट चाहे बस सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। और ये घंटा दिख रहा होगा वो हरा कलर लाल कलर रहा यार, दबदी हो गया ये समझो, मतलब दुश्मन छू तुम्हारी, समझो हाथ मार दिए ठीक छू। तो जो चैनल में नया लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। और आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो मैं इंट्रो है ना, पूरा ब्लॉग खत्म होना बात बोलूंगी, पूरा ब्लॉग खत्म होना बात की, लेकिन मैं बुलून बनून भूल गई थी। और जब मैं ब्लॉग एडिट करो तो मिलू में एक चीज देखो, मैं पहाड़ी बहुत कम बुला पाई, मतलब सबसे ज्यादा हिंदी ब्लॉग था मिलू में, तो बहुत थोड़ा वो हरम हो गए। कोई बात नहीं, अगले ब्लॉग में बोलूंगा मैं पहाड़ी, इसमें बहुत कम बुला पाई, तो वो चीज करने देखा। मगर भल्ला को पहाड़ी बुलाने तब मगर वो है कि पहाड़ी में कम बुला गए मिल। तो सबसे पहले तो मेरे को बुलेट लेके जाना है शोरूम में ठीक कराने। बुलेट हो रहा थोड़ा खराब, खड़खड़ आवाज करना है चलने में, खी खी की सौकर होकर में दिक्कत आ रही, तो का तेल शोरूम में दिखूं। वो बात दिखा, पूरा ब्लॉग दिखा, बहुत इंटरेस्टिंग अल्टीमेट ब्लॉग होने वाला, जो बहुत बढ़िया बहुत मजा पूरा दिखा। लेकिन ठीक छू, चलो बुलेट का लिया, पहले शोरूम में जानू और ठीक करूँ, पूरा ब्लॉग दिखा। तो जो दोनों गाड़ियां इधर खड़ी है, कावासाकी ये खड़ी है, बुलेट मेरी ये खड़ी है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, उसको मैं देख के आता हूँ क्या दिक्कत हो रही। थोड़ा सा जो गाड़ी चलाता है वो चेक करेगा क्या दिक्कत आ रही, तो उसको ले जाता हूँ पहले और दिखाता हूँ। थोड़ी सी इसके जो है जो किक मारते है, तो किक नीचे लटक जा रही, तो सॉकर इसके गायब है और सॉकर गायब छीन और हॉर्न ना बाजना है, दस दिक्कत छीन और घर चलने में चूचा चाचू तो हरकतें करो नहीं। तो इसको थोड़ा मैं दिखा के लाता हूँ नीचे, भाई हमारे घर के नीचे पे एक भाई का हुआ है शॉप, तो वहाँ दिखा के लाता हूँ बुलेट को, तो चलते हैं। तो इसके लेके मैं निकल पड़ा हूँ सुबह सुबह, छोटो ठीक रहो। तो इसको जाके नीचे देखा के लाते हैं और क्या सीन हो रहा है इसका, क्या नहीं हो रहा सब पता लगेगा। गाड़ियाँ जो होनी चाहिए सब परफेक्ट होनी चाहिए, तब चलाने में मजा आता है, चाहे बुलेट हो चाहे कोई भी स्कूटी हो चाहे कार हो ना। तो चलो देखे आते हैं वहाँ पहले। तो पहुंच गया हम भाई के शोरूम में, भाई के शोरूम में पहुंच गए। हेलो हाउ आर यू ब्रदर, कैसे हो यार? ये बाइक में वो दिखल को दिखल, हाँ छू चूचा चूचा आवाज करना है, हॉर्न ना बाजना है और थोड़ा सा दिक्कत है रे, और जब वो किक मारनी ना तो गाड़ी टेस्ट ड्राइव होते ही भाई ने इंजन खोल लिया, इसका इंजन खोल लिया और ये इसमें जो है सॉकर डलेगा ना, सॉकर डलेगा क्या डलेगा भाई, स्प्रिंग डलेगी, स्प्रिंग में ला रखा हूँ बगल से ब्लूटूथ रूम से खरीद के। ये है उसका स्प्रिंग, जो हम जब किक मारते तो किक नीचे लटक जा रही थी, तो इसके लिए जो है स्प्रिंग मंगाई मैंने, 16 रुपये की स्प्रिंग है ठीक है। और वहाँ चुटकी बढ़ोनी लेबर चार्ज ले लेनी 400-500 रुपये, समझ रहे हो, लेबर चार्ज खाली स्प्रिंग लगाने के, 16 रुपये की स्प्रिंग है। तो भाई इसका भी स्प्रिंग खोल रहा है पूरे, और ये डलेगा इसके अंदर बुलेट की ना, भाई ने पूरा खोल रखा है यार, गाड़ी तो नहीं लागना है बधेर भाई हैं, हमें हमें ये हार्ट बीट भी ऐसी होते होंगे ना, हमें बधेरा पुर्जे उड़ते दिल धड़कन है, और रुके मनी हो गए भुटवा भुटवा वाला सीन लग रहा पूरा है। अभी जो मैं चूचा है वो आज भी ठीक होगी, और ये की वो कांचू स्प्रिंग, अरे बैग इतना अंदर है क्या इसका, स्प्रिंग टूटी है ना, कैसे कर छे काम, स्प्रिंग दियो, स्प्रिंग दियो तो सस्ती है, बहुत लंबी सी स्प्रिंग है, इतना बड़ा प्रोसेस रहा है। 60 रुपये की स्प्रिंग, कितनी की है, 16 रुपये की स्प्रिंग, ये अब ये डलेगी नई वाली, चलो इसका तो ठीक है, इसका तो हो जा रहा है इधर ही, बट निंजा का क्या है, जब कैंप लगेगा हल्द्वानी तो मेरे को वहाँ करवाना पड़ेगा, वरना देहरादून ठीक है, तो बेस्ट तो मेरे को लग रहा है देहरादून ही करना ठीक रहेगा, कि बाकी बुलेट उलट तो हमारे कहाँ ले जानी भाई, कहाँ खड़ा करते हो साइकिल तो मान लिया ठीक है बुलेट, क्यों बुलेट और अभी देखते हैं शाम को कहीं जाता हूँ ऊपर को घूमने निंजा लेके, तो तुम्हें ऊपर का कुछ सीन दिखाऊंगा ऊपर को घूमते हुए और वहाँ का सीन दिखाऊंगा, आ जाएंगे निंजा लेके ऊपर को मनकोट साइड घूमने ठीक है। भूजा जैसा मान लिया जिसे भयंकर लाइटिंग का गड्ढे में भूज मान लिया, जिसे का लाइटिंग का गड्ढे में भूज मान लिया, यहाँ पर छिड़ो सब भूज मार दियो। तो क्या है सबसे ज्यादा दिमाग खराब हो गया इसका, मतलब वो बैठाने में क्या बोलता है, ये जो मैंने वो लिया था ना 16 रुपये का, वो क्या बोलते हैं किक का वो सॉकर जो भी है क्या बोलते हैं उसको स्प्रिंग, उसको बैठाने में इतना दिमाग खराब हो गया ना, मतलब यार एक आधा घंटा लग गया उसको बैठाने में, आधा एक घंटा ऐसा दिमाग खराब हो गया। तो दोस्तों बुलेट में बहुत टाइम लग रहा था, मैं बुलेट वहीं देख के आ गया और मैं आ गया ऊपर, मैंने सोचा थोड़ा राइड करके आता हूँ ऊपर घूम के आता हूँ, तो मैं गाड़ी रही यहाँ पर और बुलेट में है जो अपने ऊपर वहीं देख के आ गया, मैंने कहा कर देना तू बाद में लेने आ जाऊँगा,
तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो अभी अपनी निंजा को लेके जाएंगे ऊपर राइड करने, और बाकी थोड़ा सा शर्ट वर्ट बदल लिया तुम्हारे भाई ने, वो थोड़ा सा वैसे हो रहा था पुराना टाइप का, मैंने कहा हाँ ये तुम्हारा ने चश्मा वश्मा लगा के ये, अब जाएंगे इसको लेके थोड़ा सा ऊपर राइड करने, ऐसी ज़्यादा दूर नहीं, ऐसी हल्का फुल्का घूमने। और धूप बहुत हो रही है, हेलमेट पहनने का बहुत मन ही नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, ऐसा गर्म हो रहा ना, हेलमेट ऊपर पसीना पसीना आएगा, भगा भी नहीं सकता गाड़ी, आराम आराम से जाऊँगा। यहाँ पर जाना ज़्यादा दूर नहीं, तो एक भाई आ रहा मेरा चचा जो पहले मेरी वीडियोज़ में आता था, उसको लेके जा रहा हूँ घूमने, मैंने कहा आ थोड़ा घूमने चलता है, फिर मैं कल हल्द्वानी जाना है मुझे, तो अभी आने देता है, उसका वेट करता है, उसके बाद निकलता है और गाड़ी रही है। तो बस निकल चुका हूँ ऊपर को थोड़ा घूमने, और थोड़ा सा गर्म हो रहा बहुत, इसलिए थोड़ा हेलमेट नहीं पहना है, तो भाई जज नहीं करेगा कि हेलमेट क्यों नहीं पहना भाई, बस यहाँ पर ही जा रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, तो थोड़ी देर यार हमेशा हेलमेट पहने रखते हैं, थोड़ा सा ऐसे घूमना है, थोड़ा हवा खाते हुए आराम आराम से चल रहे अपन लोग ऊपर को, और तुमको आज मैं बहुत अच्छी व्यू दिखाऊंगा एक जगह से, बहुत अच्छा पाकिस्तान का व्यू दिखता है। तो रोड तो अभी पूरा खाली है, थोड़ा यहाँ रोड का काम भी चल रहा है, सबका बढ़िया चल रहा है, कहाँ रोड का काम चल रहा, कहाँ के चल रहा, तो बढ़िया यार, यहाँ से जा रही क्या नीचे रोड है, कहाँ जा रही है, ये कहाँ जा रही होगी, एक रोड यहाँ से जा रही नीचे, ऐसे लग रहा है मेरे को पटवारी ऑफिस तक जा रही है, चलो फिर चलो अपन लोग चलते हैं ऊपर को। और मैं तुमको बोल रहा था जो बेस्ट लोकेशन दिखाऊंगा तुम्हें ऊपर से, एक व्यू दिखाऊंगा जहाँ से दिखता है बागेश्वर का बढ़िया सा, मंडल शेरा वाली एरिया वो है इस जगह पे। तो अभी मैं पहुंचा हूँ कांडा धार से ऊपर बागेश्वर, कांडा वाली रोड में पड़ता है ऊपर पे, कांडा धार पड़ता है, तो उसके जस्ट मतलब 500 मीटर ऊपर पे हूँ। यहाँ से जो बागेश्वर का व्यू है ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं रुका, अभी तो थोड़ा धूप हो रही है तो अभी तो कोई रुकता नहीं है, सब शाम को रुकते हैं, यहाँ पर से व्यू का आनंद लेते हुए, बहुत मज़ा आता है, सामने इतना अच्छा व्यू दिखता है, और नाइट में तो एक नंबर क्या बोलता है, अल्टीमेट लगता है। ठीक है, अभी मैं तुमको दिन का ही दिखाता हूँ, तो दिन में कुछ ऐसा लगता है, देखो बागेश्वर का व्यू, ये जो पूरी एरिया है ये है मंडलशेरा, और ये मतलब बहुत ही खूबसूरत लगती है। अभी तो मैं तुमको पास जाके और थोड़ा पास से दिखाता हूँ, ये देखो थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो, एक समय में ऐसा था कि यहाँ पूरे मकान एक भी नहीं था, मतलब बहुत कम थे, मतलब गिने चुने मकान थे, आज भयंकर मकानी मकान बन गया, और खेती खेत थे इधर, बहुत अच्छा लगता था मतलब, और धान की बहुत फसल होती है इधर, धान की खेती बहुत होती है, धान की खेती ना इस वाली एरिया में, मंडलशेरा वाली एरिया में धान की खेती बहुत होती है, और इसकी भी ज़मीन होगी वहाँ, तेरी भी है क्या खेतों ना, बुबुल तो रहो ना, बुबुल नहीं थे ना तभी तो नहीं रहा, बुबला यार कौन है ना, मैं कब्जा मारो उधर, तो पूरा मतलब ये मंडलशेरा वाली एरिया होगी, और कौन सा एरिया हो उधर, बानेरी वाली एरिया, और बहुत मतलब ये नाइट में बहुत अच्छा लगता है, नाइट में जब यहाँ लाइट जलती है ना पूरा अंधेरा हो जाता है, तो लाइटें लगती है हर मकान में, ऐसा लगता है ना अल्टीमेट। तो अभी मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पर रुका आप लोगों को दिखाने के लिए, तो ये है कांडा धार से, कांडा वाली रोड में कांडा धार जो एरिया पड़ता है, तो उससे बस जस्ट 500 मीटर ऊपर पे है ये बैंड है यहाँ पर को, अगर इसको व्यू देखना होगा शाम को, मतलब क्या व्यू दिखता है रात के समय, और गाड़ी अपनी ये है, तो चलते अभी थोड़ा ऊपर को और बड़े वाली लोकेशन पे जहाँ पर थोड़ा छाव हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत धूप है। तो पहुँच गए हम अपने अड्डे में, जहाँ में बहुत पहले वीडियो बनाने आना, अभी मैं उस जगह पे आ रखा हूँ, उस लोकेशन पे आ रखा हूँ, जब मैं फर्स्ट वीडियो बनाता था तो ऊपर को आता था मैं वीडियो बनाने, और इस लोकेशन पे मैं वीडियो बनाता था, तो थोड़ा लोकेशन दिखाना, तो अभी तुमको अंदर ले जाता है, गेट खोल यार, तो बाइक कर दी मैंने यहाँ पर खड़ी, क्या इसकी पन्नी, अरे हटानी थी यार, वो बहुत गंदी लग रही थी, बहुत पीला नीला कर दे रहा था, तब मैंने इसकी गद्दी हटाई, तो मैं यहाँ पर बैठ रुक चुका हूँ, और गाड़ी मैंने यहाँ पर लगा दी, क्योंकि अंदर नहीं ले जा सकते, क्योंकि अंदर बहुत पहले मैं ले गया था, अंकल ने यहाँ मना करा था, जो यहाँ गार्ड है उन्होंने मना करा था, आप आओ घूम लो, लेकिन गंदगी बिल्कुल नहीं, यहाँ गंदगी आओ घूमो, ये पड़ता आपके कहाँ पर पड़ता रे, ये पड़ता है कांडा वाली रोड में, कन्ना बैंड से ऊपर लगड़ियाथल से ऊपर पे नर्सरी पड़ती है, तो यहाँ पर बहुत प्यारी लोकेशन है, और बहुत अच्छा है, और यहाँ बहुत मतलब शांति है, समझ रहे हो, शांति मतलब बहुत बेस्ट है इधर, तो सामने देखो बैठने का बढ़िया एरिया है वो, और घूमते रहो, थोड़ा सा अपनी रील वील बना लो, क्या कह रहा तू, आर 310 लेता ना, हाँ तो यहाँ पर पहले वीडियो में बहुत बनाता था, इस एरिया पे वीडियो बनाता था, कि जितना आपने पुराने वाले देखे CID वाले गन वन लेके, तो यहाँ बहुत वीडियो बनाई है मैंने, बहुत वीडियो, तो यहाँ के इस जगह के साथ मेरी बहुत यादें जुड़ी है, तो यहीं से मतलब थोड़ा, हाँ यहाँ पर ही वीडियो इस लोकेशन से थोड़ा मैं वायरल हुआ हूँ, वैसे तो पहले से था, लेकिन जो वीडियो बनाता था बहुत बेस्ट, और क्या बोला तू, RR क्या ले ले, 310, हाँ तो दोस्तों आप जीवन में कुछ लोगे और आपको समझाने के लिए आते रहेंगे ऐसे व्यक्ति, आप ऐसा लेते आप ऐसा लेते, तो ऐसे लोगों का सुनना नहीं चाहिए, गर्मियों में बन से गर्म हो जाते ना, क्या बन बम गर्म हो जाते ना, सीधा कहना भेल को, हाँ तो बम बम की इंग्लिश वाला बोला है वो,
दोस्तों ऊपर में आ गया, इसके ऊपर चढ़ गया। यहाँ देखो, यहाँ से लोकेशन देखो, नीचे गार्डन टाइप का बहुत प्यारा लगता है। आप लोग अपनी मतलब फैमिली के साथ घूमने आ सकते हो यहाँ पर को। ये पड़ता है आपके, मैंने बता दिया आपको, कांडा रोड पे, ये कन्ना बैंडी से ऊपर लगड़े थल पड़ता है, एक गांव पड़ता है लगड़े थल। उसके बाद जस्ट 200 मीटर ऊपर पे है, आपको दिखेगा, मैंने गेट दिखा दिया, बस यहाँ अंदर से घूमने का है। तो इधर आया था मैं अभी घूमने, यहाँ हमको सारे बहने, सिस्टर और ताई, ताईजी, अम्मा, बुबू, जो कुछ है सब मिल ली। ये सब हमारे व्लॉग देखते हैं। और एक बहन ही है, ये आप किस्मों का आप लोग? अच्छा, अभी क्या करने आए? चेकिंग करने? अरे चेकिंग करने, बढ़िया है। क्या मिला? कुछ मिला? मिला तो कुछ नहीं। ये अच्छा, ये तो मैं गलती होगी सर, अभी जेब में डाल के ले जा रहा हूँ। ना ना, ये कूड़े में, घर में जाएगा ये, इसको मैं वो नहीं होगा। अच्छा तो व्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को? अच्छा सब देखते हो? आप भी देखते हो? कॉल है रोशनी नई वाल, बताओ तो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ओके बाय बाय। चलो फिर आपके लिए लेके आऊंगा मैं आप कभी। तो थोड़ा सा अभी यहाँ पर फैन मूवमेंट हो गया था, फैन मूवमेंट के परिवार मूवमेंट बोल सकते हो, सब्सक्राइबर मूवमेंट बोल सकते हो, परिवार मूवमेंट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो थोड़ा सा यहाँ मिल गए थे, ये आ रहे थे अपना कुछ भी जो भी बता रहे थे घूमने। तो थोड़ा सा हम वीडियो शूट करते, उन्होंने पहचान लिया था, तो मैंने कहा कैसे हो, सभी लोगों से हालचाल पूछा और काफी अच्छा लगा सभी से मिलके। और चलते हम नीचे को, गाड़ी अपनी यहाँ पर खड़ी है, तो निकालते हैं इसको बाहर और नीचे पे चलते हो, नीचे पे एरिया पे जहाँ पर व्लॉग भी अच्छे से शूट हो जाए, ठीक है? व्लॉग नहीं और रील्स, कूड़ा भी अपने साथ ले जाना, कूड़ा फेंकना गलत है। अभी अपन लोगों ने गाड़ी यहाँ खड़ी करी है, दो बच्चे आ रहे हैं। कैसी लग रही है गाड़ी? बढ़िया है। बढ़िया। कौन सी गाड़ी है? निंजा। निंजा साइकिल। निंजा कावासाकी। निंजा और कौन कौन सी देखी तूने? कावासाकी निंजा और यही देखी। कैसी लग रही है? बढ़िया। बढ़िया लग रही है। कावासाकी निंजा बैठा है कभी? बैठा हूँ। उड़ जाएगा फिर तू तो? अरे यार भाई, मैं तो तेल खत्म होगा आपकी ऑल। 20 रुपए तो दे भाई, तेल ले लीजिए। अरे यार कराओ यार, के कितने में पढ़ते हो तुम? और ये शिस्त कौन से स्कूल में? अच्छा नाइन्थ में पढ़ता है। देखो इसके समय में इतना छोटा बच्चा नाइन्थ में पढ़ता है, और जब हम थे नाइन्थ में हम भयंकर छोटे थे ना, बहुत फिर छोटे नहीं बड़े हो गए थे, बहुत बड़े हो गए थे यार, डांट डांट। अरे बढ़िया यार, चलो मजा आया तुमसे मिल के। मेरे को जानते हो? वैसे आपका नाम तो है सौरभ हाँ, और वैसे मिस्टर किस हो रहे? ये गलत को, अब तू बता नाम सही बता। अरे बढ़िया बढ़िया, चलो फिर चलो। तो दोस्तों अभी मैं इस लोकेशन पे हूँ, थोड़ा सा ऊपर से आ गया, जहाँ बच्चों के साथ घूम रहा था, थोड़ा मिले बच्चे, उनके यहाँ बातचीत करी, उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे पे आ गया इस लोकेशन पे। और अब हो रही अंधेरा, गाड़ी अपनी अपनी खड़ी है। और इस ये रोड है आपकी वाली, कौन सी है ये कांडा वाली, सामने जो है ये है कांडा वाली रोड, जो मुंसारी कांडा जाती है। और ये नीचे को एक गराड़ बोलते हैं, इस लाइन पे गराड़ पड़ता है, गराड़ बिलखेत तो वाली रोड पे हूँ। अब मैं जा रहा हूँ घर को और ब्लॉग करते हैं एंड। और कैसा लगा जरूर बताना, नया ब्लॉग जरूर बताएंगे। और कल मैं जा रहा हूँ हल्द्वानी, तो हल्द्वानी जाऊँगा मैं रानीखेत होते हुए, तो हल्द्वानी रानीखेत होते हुए नैनीताल घूमते हुए, तो पूरा व्लॉग बहुत टन आएगा, मस्त आएगा। और लेकिन जो चैनल पर नया है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, तब के लिए मिलते हैं नए व्लॉग। और भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, चाचा व्लॉग्स, ठीक है? तो मिलते हैं नए व्लॉग में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।